कान्हा कृष्णा की किचन में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। आज हम कच्ची कैरी की बहुत ही चटपटी सी सब्जी बना के तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। कच्ची कैरी की सब्जी बनाने के लिए हमने 3 यहाँ पे कैरी लिया है। कैरी को हमने अच्छे से धो लिया है। सबसे पहले हम कैरी को छील लेते हैं। इस तरीके से हम कैरी को छील के तैयार कर लेंगे। कैरी को हमने काट के तैयार कर लिया है और कैरी की गुठली को हमने अलग कर दिया है। साथ में हमने 10-11 लहसुन की कलियां ली थी और लहसुन को हमने कूट के बारीक पेस्ट बना लिया है। अब इसी पेस्ट के अंदर हम डाल देते हैं सूखे मसाले, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हम जो यहाँ पे मिर्च डाल रहे हैं, ये हमारी ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपकी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो आप थोड़ा कम डालें। और स्वाद अनुसार हम डाल देंगे नमक। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले का पेस्ट बना लेते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में हमने 3 छोटे चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटा चम्मच हम डाल देते हैं कलौंजी, और 1/2 छोटा चम्मच हम डाल देंगे सौंफ, 1/2 छोटा चम्मच हम डाल देंगे हींग, और अब हम डाल देंगे मसाले का पेस्ट। 2-3 छोटे चम्मच पानी डाल के मसाले को अच्छे से पकाएंगे। मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कटी हुई कैरी और अच्छे से मिलाएंगे। कैरी को अच्छे से मसाले के अंदर मिलाने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 1 बड़ा गिलास पानी। 1 गिलास हमने डाल दिया है और 1 बड़ा गिलास पानी हम और डाल देंगे और ढक के सब्जी को 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक हमारी कैरी सॉफ्ट न हो जाए। बीच बीच में हम करछी चलाते रहेंगे। कैरी की सब्जी को हमने 4-5 मिनट के लिए पका लिया। और ये देखिए कैरी हमारी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इस टाइम पे हम डाल देंगे सब्जी के अंदर चीनी। 5 छोटे चम्मच हम चीनी डाल रहे हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम गर्मी ज़्यादा है तो हम गुड़ की जगह चीनी डाल रहे हैं। चीनी घुलने तक हम सब्जी को थोड़ा सा और पकाएंगे। सब्जी के अंदर चीनी हमारी एकदम अच्छे से घुल चुकी है। इस टाइम पे हम गैस को बंद कर देंगे। कैरी की सब्जी को हमने अलग बाउल में निकाल लिया है और ये देखिए सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। इस सब्जी को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। कैरी की इस चटपटी सी सब्जी को आप 3-4 दिन के लिए इंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और खाने में इतनी स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको भूख नहीं है, बिना भूख के भी आप 3-4 रोटी अच्छे से इस सब्जी के साथ खा पाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप एक बार हमारी इस कैरी की सब्जी को ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। और साथ में हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।